हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ मैं आपके सामने लिपिड पार्ट फोर को लेकर। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, फैट्स एंड वायल्स, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स एंड एग्जांपल ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो जुड़िए इस चैनल के साथ और पढ़िए विज्ञान के अलग अलग टॉपिक हमारे साथ। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में लिपिड पार्ट फोर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स के बारे में चर्चा करते हैं कि लिपिड के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल्स हैं। सबसे पहला, एनर्जी ऑब्टेंड फ्रॉम फूड मटेरियल्स। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोज में चर्चा किया था कि जो एनर्जी ऑब्टेंड होता है, अगर लिपिड की बात किया जाए तो लिपिड के केस में करीब करीब 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होता है 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स। इसी तरीका से अगर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दोनों से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से। तो हम देख रहे हैं कि एनर्जी के केस में लिपिड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से कहीं ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी कि जो भी फूड मटेरियल लिपिड से रिलेटेड है, जिस फूड मटेरियल में लिपिड पाया जाता है वो हाई एनर्जी देता है इन कंपैरिजन टू द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब दूसरा पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या रोल है लिपिड के। कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हम लोग जानते हैं कि जो लिपिड होता है सेल मेम्ब्रेन के कंस्टिट्यूएंट्स होता है। आप लोग इंटरमीडिएट से पढ़ते आ रहे होंगे, जब आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें सिंगर एंड निकोलसन का मेथड हो या तो लिपिड बाइलेयर मॉडल या फ्लूड मोजेक मॉडल, सभी में आप लोगों ने देखा है कि लिपिड का एक अहम रोल होता है सेल मेम्ब्रेन बनाने में। वास्तव में 3 मेजर क्लासेज होता है लिपिड का, फॉस्फोलिपिड। आगे हम इसके बारे में और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। फॉस्फोलिपिड्स, इसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्टेरॉल। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका मेजर कंस्टिट्यूएंट कहे या कंपोनेंट कहे तो ये तीनों कंपाउंड होता है, यानी कि फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड कोलेस्टेरॉल से हमारे सेल मेम्ब्रेन्स बने हुए होते हैं। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड्स। वास्तव में साइटोसोल में जो फैटी एसिड का निर्माण होता है वो कहाँ जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन वास्तव में लिपिड करता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी, चूंकि जब वो लिपिड का फॉर्मेशन हो जाता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन वन सेल टू अनदर सेल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है फैटी एसिड का वो लिपिड की मदद से होता है, तो ये भी एक लिपिड का बायोलॉजिकल रोल है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, एक्ट एज कैरियर ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। हम लोग जानते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन है, ए डी ई एंड के। ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं इनके लिए लिपिड्स होता है कैरियर का काम करता है और कैरियर के रूप में इसको एक सेल से दूसरे सेल में या एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल्स में ले जाने का काम करता है। लोअरिंग द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन डाइट। जैसा कि आप लोग देखते हैं और जानते होंगे शायद, स्टियरिक एसिड एंड ओलेइक एसिड जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को खास करके डाइट में, डाइट का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको लोअर करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टियरिक एसिड एंड ओलेइक एसिड लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन डाइट्स।
अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं, हॉर्मोन्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ए स्टेरॉइडल लिपिड्स। बहुत सारे हॉर्मोन्स है जो कि सिंथेसाइज्ड होता है स्टेरॉइडल लिपिड से। जब हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे लिपिड्स के टाइप्स, तो उसमें एक टाइप स्टेरॉइड का भी आता है। स्टेरॉइड भी एक डिराइव्ड लिपिड्स का एग्जांपल्स होता है, और इसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं, खास करके कुछ सेक्स हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉइड्स होते हैं, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, और एड्रिनोकॉर्टिकोइड्स, इसके अलावा कॉलिक एसिड होता है, विटामिन डी का भी सिंथेसाइज कई बार स्टेरॉइडल लिपिड के द्वारा ही इसके हेल्प से होता है। आप लोग एग्जांपल जानते होंगे, स्टेरॉइडल लिपिड का एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये बहुत सारे हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज करता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए या हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, एक्ट एज एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल एजेंट्स, यानी कि लिपिड्स एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल एजेंट्स के रूप में भी काम करता है। आप लोगों ने सुना होगा सार्क के, जो सार्क होता है, जो मछली, समुद्री मछली होता है, उसके वाइल में सार्क के अगर ब्लड की बात किया जाए, तो सार्क के ब्लड में एस्क्वेलामाइन पाया जाता है, एस्क्वेलामाइन। ये एक तरह का स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइडल लिपिड होता है, और आप लोग जानते हैं कि स्टेरॉइड का क्या काम होता है। बहुत सारे स्टेरॉइड होते हैं जो एंटीबायोटिक एंड एंटीफंगल का काम करते हैं। तो बायोलॉजी जो लिपिड का जो एक बायोलॉजिकल रोल है, वो एंटीबायोटिक और एंटीफंगल के रूप में भी काम करता है। जैसे कि यहाँ हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि एस्क्वेलामाइन, जो कि सार्क के ब्लड में पाया जाता है, वो एक स्टेरॉइड है और ये एंटीबायोटिक एंड एंटीफंगल एजेंट का काम करता है। अगला पॉइंट है हीट इंसुलेशन। हीट इंसुलेशन जानते हैं आप लोग कि लिपिड इंसुलेटर का काम करता है, और ये जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी डेवलप होता है, उस एनर्जी को बाहर निकलने से रोकता है। इस प्रकार से हमको ये हमारे जो शरीर के एनर्जी होता है, जो हीट होता है, उसको बाहर जाने से रोकने का काम ये करता है, और एक तरह से इंसुलेशन का काम करता है, हीट इंसुलेशन का। तो इन सारे बायोलॉजिकल रोल्स के अलावे लिपिड्स के बहुत सारे रोल्स हैं, और बहुत से जगह लिपिड पाया जाता है। आगे जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते चलेंगे, तो धीरे धीरे बहुत सारे फंक्शंस हमको पता चलेगा कि लिपिड कहाँ पाया जाता है। वास्तव में लिपिड जो सेलुलर पार्ट्स में पाया जाता है, वो सेलुलर पार्ट्स ब्रेन का भी होता है, अदर पार्ट्स भी है। तो सभी में जो लिपिड का बायोलॉजिकल रोल है, काफ़ी अहम हो जाता है, और सबका अलग अलग टाइप होता है, जो कि हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स को जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर 1943 में ब्लोर ने किया था। 1943 में ब्लोर ने किया था केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। और इस क्लासिफिकेशन को काफी हद तक बायोकेमिस्ट्री में मान्यता मिला हुआ है, और ब्लोर ने लिपिड्स को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। पहला था सिंपल लिपिड्स, दूसरा था कंपाउंड लिपिड्स, एंड तीसरा था डिराइव्ड लिपिड्स। बाद में इसी में कुछ संशोधन करके इसको भी कई सब पार्ट्स में बांटा गया, जो कि यहाँ आप चार्ट में देख रहे हैं। तो जो सिंपल लिपिड्स होता है, अगर हम सिंपल लिपिड्स की बात करें, सिंपल लिपिड इस्टर होता है, किसका, फैटी एसिड का, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा, लिपिड क्या है, इस्टर ऑफ फैटी एसिड्स
एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल. ये एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो सकता है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो सकता है, सैचुरेटेड एल्कोहल हो सकता है या अनसैचुरेटेड एल्कोहल हो सकता है. तो ये अलग अलग टाइप हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एल्कोहल उसमें यूज होता है. यहाँ पर अगर हम फैट्स एंड ऑयल्स की बात करें तो फैट्स एंड ऑयल्स में फैटी एसिड, जो फैट्स एंड ऑयल्स का जो कंपोजिशन होगा उसमें फैटी एसिड पाया जाएगा, ये फैटी एसिड होगा और इसके साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स पाए जाएंगे. जहां फैटी एसिड और एल्कोहल से मिलकर के जो कंपाउंड बना होगा उसको हम सिंपल लिपिड्स के अंतर्गत रखेंगे, और जो कंपाउंड लिपिड्स होता है उस कंपाउंड लिपिड्स में फैटी एसिड एंड एल्कोहल्स के अलावे कुछ एडिशनल ग्रुप्स भी पाए जाते हैं. एडिशनल ग्रुप्स पाया जाएगा, यानी कि जो कंपाउंड लिपिड्स जो हम देख रहे हैं, ये कंपाउंड लिपिड्स में फैटी एसिड भी पाया जाएगा, एल्कोहल भी पाया जाएगा और इसके साथ में कुछ एडिशनल ग्रुप्स पाए जाएंगे जिसको हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे. तीसरा टाइप होता है डिराइव्ड लिपिड्स. ये डिराइव्ड लिपिड्स क्या होता है ना कि हाइड्रोलिसिस, जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, हाइड्रोलिसिस किया जाता है किसका, सिंपल लिपिड्स एंड कंपाउंड लिपिड्स. यही कंपाउंड लिपिड्स एंड सिंपल लिपिड्स का जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हमारा डिराइव्ड लिपिड्स मिलता है, और ये डिराइव्ड लिपिड्स के भी धीरे टाइप हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल लिपिड्स के टाइप्स, और सिंपल लिपिड्स को दो टाइप्स में बांटा जाता है, फैट्स एंड ऑयल एंड वैक्सेस. तो फैट्स एंड ऑयल के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फैट्स एंड ऑयल्स क्या होता है. फैट्स एंड ऑयल्स वास्तव में क्या होता है, इस्टर होता है फैटी एसिड का, और ए फैटी एसिड के साथ में पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है उसका ये इस्टर होता है. यानी कि जो हमने शुरू में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा था, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल खास करके इसमें ग्लिसरॉल का अमाउंट प्रेजेंट होता है. यानी कि जो फैट्स एंड ऑयल्स होता है मुख्य रूप से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है. अगर वैक्स की बात करें तो वैक्स में फैटी एसिड होगा और फैटी एसिड के साथ हाई मॉलिकुलर वेट का मतलब हो जाएगा कि हाई कार्बन कंपाउंड भी बहुत ज्यादा उसमें हो जाएगा. यानी कि जो वैक्स होता है हाई मॉलिकुलर वेट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से मिलकर बना होता है. यहां पर आपको ध्यान देना है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ना कि पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल. तो वैक्स जो है जनरली हाई मॉलिकुलर वेट का एल्कोहल एंड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का फैटी एसिड के साथ जुड़ने से बनता है. अगर हम इसकी बात करें फैट्स एंड ऑयल्स को दो पार्ट्स में बांटा जाता है, सिंपल फैट्स एंड ऑयल्स एंड मिक्स्ड फैट्स एंड ऑयल्स. सिंपल फैट्स एंड ऑयल्स किसको कहेंगे, जैसा सिंपल फैट्स में क्या होता है कि जैसे देखिए ग्लिसरॉल हमारा यहाँ फिक्स ही रहता है जो लगभग, और चेंज क्या होता है, फैटी एसिड चेंज होता है. तो यहाँ फैटी एसिड, अगर जो फैटी एसिड लिपिड के निर्माण में जो हम यूज करते हैं, जो फैट में जो फैटी एसिड पाया जाएगा वो सिमिलर ही होगा, यानी कि वो डिसिमिलर नहीं हो सकता है. एक ही टाइप का अगर फैटी एसिड पाया जाएगा तो उस फैट्स एंड ऑयल्स को कहेंगे सिंपल फैटी एसिड. लेकिन अगर मिक्स्ड की बात करें तो इसमें दो और मोर, कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक अगर टाइप के, टू और मोर टाइप के फैटी एसिड्स अगर पाए जाते हैं तो इसको हम मिक्स्ड फैट्स एंड ऑयल्स कहेंगे. तो ये हम समझ गए कि सिंपल लिपिड्स और इसके टाइप्स को किस तरीका से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. अब हम लोग आते हैं कंपाउंड लिपिड्स में. कंपाउंड लिपिड्स को तीन पार्ट्स में बांटा जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स. एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं. फॉस्फोलिपिड्स की अगर बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स में फैटी एसिड और प्लस एल्कोहल. फैटी एसिड एंड एल्कोहल तो इसमें होगा ही होगा. इसके साथ ही जो फॉस्फोलिपिड्स में पाया जाएगा वो आपका फॉस्फोरिक एसिड होगा,
ध्यान से देखने की बात है, केवल इसमें फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा, उसके अलावे नाइट्रोजिनस बेस हो सकता है, नाइट्रोजिनस बेस, और भी कई सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, कोई भी और भी सब्स्टिट्यूएंट इसमें जुड़ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो फॉस्फोलिपिड्स में होता है वो फैटी एसिड एंड एल्कोहल के अलावे फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है। अगर ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें, हम ग्लाइकोलिपिड्स में देखेंगे तो ग्लाइकोलिपिड्स में फैटी एसिड पाया जाएगा, एल्कोहल पाया जाएगा, और इसके अलावे जो ग्लाइकोलिपिड्स में पाया जाता है यानी कि फैटी एसिड एंड एल्कोहल तो होगा, उसके अलावे पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा और इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, मगर इसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं पाया जाता, यानी कि ग्लाइकोलिपिड्स में फॉस्फोरिक एसिड नहीं पाया जाएगा, उसके अलावे फैटी एसिड, एल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट एंड नाइट्रोजिनस बेसेज पाए जाएंगे। अगर सल्फोलिपिड्स की बात करें तो सल्फोलिपिड्स में फैटी एसिड एंड एल्कोहल तो होगा ही, और साथ में सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड हो सकते हैं, यानी कि सल्फर प्रेजेंट होगा, उसको हम सल्फोलिपिड्स कहेंगे। इस तरीका से हम फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, फॉस्फोलिपिड्स को भी कई पार्ट्स में बांटा जाता है, जैसे प्लाज्मालोजेन, सिफेलिन, लेसिथिन, स्फिंगोमाइलिन, ये सब आगे चल करके धीरे धीरे इसको क्लासिफाई किया गया है। तो जो प्लाज्मालोजेन होता है हमारा, ये प्लाज्मालोजेन जनरली ये नर्वस टिश्यू से रिलेटेड होता है, और नर्वस इम्यून सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जैसे जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है उसमें ये पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्लाज्मालोजेन जो है नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बनाने में मदद करता है। उसी तरीका से अगर हम सिफेलिन की बात करें तो सिफेलिन, सिफेलिन आप लोग जानते हैं ब्रेन से रिलेटेड होता है, यानी कि ये ब्रेन में पाया जाता है और ब्लड क्लॉटिंग में भी ये हेल्प करता है, ये तो हम लोग जान रहे हैं। इसके बाद लेसिथिन के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। लेसिथिन जो होता है वास्तव में एक इमल्सिफायर का काम करता है, और ये जो LDH कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है हमारे शरीर में, उस LDH कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करता है। इसके अलावा जो लेसिथिन है इसके मेमोरी डिसऑर्डर को दूर करने का काम करता है, अल्जाइमर्स डिजीज को ये रिमूव करता है, यानी अल्जाइमर्स डिजीज को भी अल्जाइमर डिजीज से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज के प्रेजेंट समय में आर्टिफिशियल लेसिथिन का भी बहुत ज़्यादा सिंथेसिस किया जाता है और इसका यूज मेडिसिन में किया जाता है। उसके अलावा हमारा जो फॉस्फोलिपिड्स का एक टाइप है वो है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन वास्तव में सेल सिग्नलिंग का काम करता है, और ये सेल सिग्नलिंग पाथवे में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम आते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के टाइप पर। ग्लाइकोलिपिड्स को जनरली दो पार्ट्स में बांटा गया है, सेरिब्रोसाइट्स में एंड गैंग्लियोसाइट्स में। सेरिब्रोसाइट्स आप जानते होंगे, सेरिब्रो भी जो रिलेटेड है वो नर्व से रिलेटेड है, और सेरिब्रोसाइट्स का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन हम कहेंगे वो नर्व टिश्यू से या नर्व सेल से रिलेटेड फंक्शन ही होगा, यानी कि सेरिब्रोसाइट्स हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ये नर्व सेल्स का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और नर्व सेल्स के इम्प्रूवमेंट में ये मदद करता है। इसके अलावा जो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स के टाइप्स है वो है गैंग्लियोसाइड्स है। तो गैंग्लियोसाइड्स का जो एक ये हम कहेंगे कि इसका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो सेल सिग्नलिंग में होता है, और ये एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन का काम करता है। तो इस तरीका से हम लोग देख रहे हैं कि कंपाउंड लिपिड्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, और जो तीसरा टाइप्स होता है लिपिड्स का वो होता है डिराइव्ड लिपिड्स। और ये डिराइव्ड लिपिड्स को भी कई पार्ट्स में आजकल के बायोकेमिस्ट्री के लोग जानने वाले लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है। इसमें प्रमुख है एल्कोहल्स, फैटी एसिड्स, स्टीरोल्स, आइसोप्रिनोइड्स, और आइसोप्रिनोइड्स को फिर टर्पिनोइड्स एंड कैरोटिनोइड्स के रूप में क्लासिफाई किया गया है। आप लोग जानते हैं टर्पिनोइड्स एंड कैरोटिनोइड्स का काम जो है इम्पोर्टेंस आप लोगों को पता ही है। एल्कोहल फैटी एसिड के बारे में तो आप लोगों को
हम प्रीवियस वीडियो से बताते आ रहे हैं। तो इस तरीका से हम लिपिड के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और लिपिड के क्लासिफिकेशन में मुख्य रूप से आपको याद रखने की जरूरत है कि लिपिड को तीन पार्ट्स में बांटा गया है, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स में। सिंपल लिपिड्स को फिर टू पार्ट्स में बांटा गया है, फैट्स एंड ऑयल एंड वैक्सेस में। कंपाउंड लिपिड्स को तीन पार्ट्स में बांटा जाता है, फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स के रूप में। एंड डिराइव्ड लिपिड्स को जो डिराइव्ड होता है, जो डिराइव्ड लिपिड्स को जो बांटा जाता है, वो अल्कोहल में, फैटी एसिड में एंड स्टेरॉइड्स में। तो इतना आप निश्चित रूप से याद रखें, बाकी अगर आप कर सके पूरी तरीका से तो बहुत अच्छी बात है। क्लासिफिकेशन इस तरीका से हम कंप्लीट करते हैं लिपिड का। अब आगे बढ़ते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स। अगर हम फैट मॉलिक्यूल की बात करें तो फैट मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड का बना होता है। जैसा कि हम ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ चुके हैं, फैटी एसिड्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग किस तरीका से फैट्स एंड ऑयल्स का फॉर्मेशन होगा उसको देखेंगे, और फैट्स एंड ऑयल्स के क्या प्रॉपर्टीज हो गए उसको भी आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। तो ये फैट मॉलिक्यूल कंसिस्ट ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, यानी कि फैट मॉलिक्यूल में ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। मोस्ट अनसेचुरेटेड फैट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड आर कॉल्ड ऑयल्स। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो अनसेचुरेटेड फैट्स होता है, जो लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पर उसको ऑयल्स कहेंगे, एंड जो सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पर उसको फैट्स कहा जाता है। ओलिव ऑयल इज मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स व्हाइल कैनोला ऑयल इज पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स। ये एग्जाम्पल्स है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि ओलिव ऑयल इज एग्जाम्पल सफर, आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स, पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स, नन ऑफ दीज, बोथ ऑफ दीज, इस तरीका से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको चर्चा किया है कि ओलिव ऑयल इज मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स व्हाइल कैनोला ऑयल इज पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स। अगला पॉइंट है, फैट्स एंड ऑयल्स आर ट्राई ग्लिसराइड्स और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल होता है, वास्तव में जो फैट्स एंड ऑयल्स का सिंपल फॉर्म होता है वो ट्राई ग्लिसराइड्स या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स होता है। और ये जो टैग होता है, यानी कि ट्राई ग्लिसराइड्स और ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स होता है, वो मोस्ट एबांडेंट होता है अमंग ऑल लिपिड्स। यानी कि जितने भी लिपिड्स आपको पाए जाते हैं, खास करके हमारे डायट्री लिपिड में, उसका करीब करीब 98% ये ट्राई ग्लिसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ही केवल पाया जाता है। बाकी के 2% में फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स आदि लिपिड्स आते हैं। यानी कि ये पॉइंट याद रखने वाली है कि फैट्स एंड ऑयल्स आपका जो ट्राई ग्लिसराइड्स या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स के रूप में पाया जाता है, वो 90% के आसपास अपना अमाउंट कंटेन करता है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑन हाइड्रोलिसिस फैट एंड ऑयल गिव्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इसको आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, जब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे अगले वीडियोज में, तो हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसे फैट्स एंड ऑयल्स का हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमको ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मिलता है। तो यहाँ हमको जानने की जरूरत है कि जब फैट्स एंड ऑयल का हाइड्रोलिसिस होगा तो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल मिलता है। लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं स्पाइनी आंट ईटर, एक्चुअली ये एक्सेप्शन है, यानी मिल्क का जो स्पाइनी आंट ईटर का जो मिल्क होता है वो एक्सेप्शन होता है, उसका हाइड्रोलिसिस करने पर हमको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल नहीं मिलता है। और इसका कारण ये होता है कि ये एक ट्रायोलिन होता है, एक फैट होता है, प्योर फैट होता है, ये प्योर फैट का एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ स्पाइनी आंट ईटर। और कई बार एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिल्क ऑफ स्पाइनी आंट ईटर इज, और उसमें आपको ऑप्शन दिया जा सकता है प्योर फैट, इम्प्योर फैट, या इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि मिल्क ऑफ स्पाइनी आंट ईटर प्योर फैट होता है, ये ट्रायोलिन का एग्जाम्पल्स होता है, प्योर ट्रायोलिन होता है। All the fats contain glycerol in common but differ in amount and type of fatty acids. जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में और प्रीवियस वीडियोज में भी हमने बताया है
कि जब हम फैट्स या ऑयल का निर्माण कर जब होता है, फैट्स एंड ऑयल्स में ग्लिसरॉल तो कॉमन होता है ना हमेशा, लगभग आप देखेंगे कि अल्कोहल लगभग सेम ही होता है, लेकिन जो डिफर होता है वो फैटी एसिड डिफर होता है, या तो पामिटिक एसिड चेंज होता है, या तो स्टियरिक एसिड होगा, या इसी तरीका से अदर फैटी एसिड का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो अल्कोहल का पार्ट्स होता है जनरली ग्लिसरॉल ही इसमें यूज होता है। यही कहना चाह रहा है कि ऑल द फैट्स कंटेन ग्लिसरॉल इन कॉमन बट डिफर इन अमाउंट एंड टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। अब हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा कर ले कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या टैग या ट्राई ग्लिसराइड बनता कैसे है। आप यहाँ पर जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ये है ट्राई किस तरीका से टैग का निर्माण होता है, यानी कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कि एक ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है, एक ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है और एक पामिटिक एसिड का तीन मॉलिक्यूल है। एक जो यहाँ आप देख रहे हैं ये एक पामिटिक एसिड को इंडिकेट करता है। आप देखिए यहाँ कार्बन 15 और एक ये कार्बन, तो टोटल कार्बन कितना हुआ 16 कार्बन, और 16 कार्बन कंपाउंड चूंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। और डबल बॉन्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे तो देखेंगे यहाँ जो हाइड्रोजन 31 है C15 यानी कि 15 × 30 + 1 यानी कि ये जो फॉर्मूला पर सेट हुआ है CnH2n + 1 COOH, जो कि आप जानते हैं कि ये क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड का जनरल फॉर्मूला है। और यहाँ पर देखिए C15H31COOH यही फॉर्मूला है पामिटिक एसिड का। तो ये जो पामिटिक एसिड है जब ये सैचुरेटेड का केस है, सैचुरेटेड केस में हम इसको देख रहे हैं, और ये एक मॉलिक्यूल है, इसी तरीका से दूसरा मॉलिक्यूल और ये तीसरा मॉलिक्यूल है। अब यहाँ जो इसका फॉर्मेशन होगा तो ग्लिसरॉल का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तीनों का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तीन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लिसरॉल में होते हैं ये तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ के हाइड्रोजन से अटैच होगा और ये मिल करके बना देगा यहाँ पर वाटर, और तीन मॉलिक्यूल वाटर का निकल जाएगा। और जब ये मॉलिक्यूल जो रेस्ट होगा पामिटिक एसिड का रेस्ट पार्ट जो बच जाएगा और ग्लिसरॉल का जो रेस्ट पार्ट जो बच जाएगा वो जुड़कर यहाँ पर बना देगा ट्राईपामिटिन, जो कि एक फैट होता है। अब ये ट्राईपामिटिन आप देख सकते हैं, ट्राईपामिटिन में C15H31 है यानी कि एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ट्राईपामिटिन सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है। उसी तरीका से अगर हम बात करें आगे कि जेनेरिक फॉर्मूला किस तरीका से हम इसको टैग को ये कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जेनेरिक फॉर्मूला होता है टैग CH2 है, CH2 यहाँ से आप अगर कट करें तो देखिए ये CH2 CH एंड CH2, एक ग्लिसरॉल का पार्ट हो गया जो ग्लिसरॉल का पार्ट यहाँ आया। इसके बाद जो OOCR1 यहाँ से जो OOC और ये जो है अल्काइल ग्रुप हो गया यानी कि ये R1, इसी तरीका से ये क्या हो जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा R3। ये अलग बात है कि यहाँ ये R1 R2 एंड R3 तीनों सिमिलर है और इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये एक सिंपल फैट का एग्जाम्पल है। और ये सिंपल फैट का एग्जाम्पल इस कारण से होता है जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप ये डिफर हो जाता यानी फैटी एसिड डिफरेंट हो जाता तो फिर ये चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ एक पामिटिक एसिड के तीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है इसलिए एक सिंपल फैट का एग्जाम्पल्स है। अब हम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स होता है वो आइसोमर्स शो करता है डी आइसोमर्स एंड एल आइसोमर्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में आइसोमर चैप्टर के अंतर्गत जिसमें कि डी आइसोमर्स एंड एल आइसोमर्स पढ़ना होता है। और आप लोग जानते हैं कि एल टाइप आइसोमर्स आर मोर स्टेबल होता है। क्यों एल टाइप आइसोमर्स, आप इसके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि एल टाइप आइसोमर्स मोर स्टेबल होता है और जो नेचुरली अवेलेबल आइसोमर्स होता है वो भी एल टाइप्स होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे
वहां मैंने क्या बताया था, सिस एंड ट्रांस में ज्योमेट्रिक आइसोमरीज में कि जो फैटी एसिड होता है सिस आइसोमर्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ क्या है कि जो नेचुरली अवेलेबल आइसोमर्स है एल्टाइस में ही होता है, जो कि ऑलरेडी एक नोन फैक्ट है कि एल टाइप आइसोमर्स आर मोर स्टेबल होता है। अब अगर हम एग्जाम्पल्स देखें सिंपल ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स के, तो दो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्राई एस्टियरीन एंड ट्रायोलिन। ट्राई एस्टियरीन को आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कार्बन क्या है 17 है और एच 35 है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया है सी एन एच 2N प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि ये सैचुरेटेड है, यानी कि सैचुरेटेड फैटी सैचुरेटेड फैट का ये एग्जाम्पल है ट्राई एस्टियरीन। अगर हम यहाँ पर आ जाए ट्रायोलिन की बात करें, ट्रायोलिन में तो हम यहाँ पर देखेंगे C17H31, ये जो फॉर्मूला है ये CnH2n-1 पर सेट करता है। अगर आप इस पार्ट को देखना चाहे तो देख लीजिए, CnH2n-1 पर सेट करता है, यानी कि हाइड्रोजन इसमें कम है और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये हाइड्रोजन कम होने के कारण क्या है कि यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कहीं ना कहीं। तो ये जो ट्रायोलिन है वास्तव में, चूंकि ये देखिए 17 कार्बन है एंड एक 18 कार्बन है, तो ये 18 कार्बन कंपाउंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर ये ट्रायोलिन बना हुआ है। तो ये एक ट्रायोलिन का ये फैट का एग्जाम्पल है और ये अनसेचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है। इस तरीका से हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स के ये दो एग्जाम्पल है। आप इसको याद रखें, वैसे आप चाहें तो गूगल करके बहुत सारे ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, और देख करके आप उसको अगर चाहे तो आप अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। डिग्री स्टूडेंट्स के लिए और जो जनरली जो सिंपल कंपटीशन जहां पर कंपटीशन में जो पूछा जाता है वहां जनरली ट्राईएस्टियरीन ट्रायोलिन ये सब पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। आप लोग इसके ध्यान रखें कि जो सिंपल फैट्स के एग्जांपल है ट्राईएस्टियरीन ट्रायोलिन, चूंकि ये 18 कार्बन कंपाउंड से बना होता है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, उसको हम लोग आगे अलग से प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीका से हमने पार्ट फोर को कंप्लीट किया, और पार्ट फोर को कंप्लीट करने के बाद एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से रहेगा, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड इज आर डैश, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिपिड इज आर डैश। आपके ऑप्शंस है फॉस्फोलिपिड, कैरोटीनॉइड्स, वैक्सेस, एंड चौथा ऑप्शन है बोथ 1 और 3। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, और मैं जल्दी ही पार्ट 5 लेकर के आऊंगा। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू।